नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और आज है डेट 9 जनवरी 2023। ये बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ ना, सो। और आज है मंडे, मतलब रोज खाओ अंडे एंड अंडे। और मंडे के नाम पे आ जाता है बुखार। पहले आता था बुखार, अभी नहीं आता है बुखार। स्कूल जाते थे इन्नू छोटे छोटे थे ना, तब बुखार आ जाता, क्योंकि स्कूल में पैसे कोई नहीं देता है, तो जॉब में तो पैसे मिलते हैं, बस लेज़ी होते हैं, तो बुखार तो नहीं चढ़ता है अब। और पहले तो मंडे के नाम पर इतना बुखार आ जाता स्कूल टाइम, तो इतना पूछो ही मत किस किस के साथ ऐसा होता था, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो टाइम हो गया है अभी 7:20 और मैं उठ गई थी आज 6:45 बिकॉज मैंने सोचा आज मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज करने के बाद अभी मैं कर लेती हूँ अपना रूम क्लीन जल्दी से फटाफट, और देन उसके बाद शावर लेके जस्ट ब्रेकफास्ट में। सो गाइस, सारा काम समेट के उसके बाद मैं शावर ले ली थी। और मैंने बस हेयर वॉश नहीं किया आज, क्योंकि हेयर वॉश मैंने पिछले कल किया था संडे को। और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी और जल्दी से कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद। रोज ऐसा ड्रामा हो रहा है मेरे कि कल से नहीं पीऊँगी मैं दूध वाली चाय, बट ऐसा बोलते हैं ना, कल तो कभी आता ही नहीं है, छोड़ना तो आज ही छोड़ना पड़ेगा ना आपको, ऐसे तो नहीं होगा ना जिंदगी में। एक तो इतनी दर्द होती है स्टोन में यार, बहुत दर्द होती है, किडनी स्टोन की दर्द बहुत गंदी, एक दांत की दर्द एक स्टोन की दर्द, ये दो ना बहुत गंदी दर्द होती है, ऐसा लगता है ना पीछे पीठ में कोई ऐसे करके मार रहा है, इतनी दर्द होती है। मैंने बहुत मेडिसिन वगैरह दी, अभी मैंने पीछे अक्टूबर में लास्ट करवाया था अपना अल्ट्रासाउंड, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया क्योंकि ना उसमें पता क्या हो रहा है, कभी बोल रहे हैं इतनी है, कभी फिर दो घट जाती है, फिर दो बढ़ जाएगी, उसने में 2 mm घट जाना 2 mm बढ़ जाना, मैं परेशान हो गई। एक दिन में दो अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ कि क्या पता उसने पत्नी गलत तो नहीं किया, फिर दूसरी के पास चली जाती हूँ फिर करवा दी। अब मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन हो गया, 4 महीने से कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए। अब मैं सोच रही हूँ मैं नहीं करवाऊँगी अल्ट्रासाउंड, अगर मैंने तो मेडिसिन अक्टूबर में भी मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने 3 डॉक्टरों की मेडिसिन ली अलग अलग की, किसी की 15 दिन का कोर्स, किसी का महीने का, किसी का कितने का दिन का, 7 डे का, और पत्थरचट का पत्ता भी खा रही हूँ, है ना। मैंने सोचा अभी नहीं मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मैं थक गई यार अल्ट्रासाउंड लेके और दवाइयों को खा खा के। अब आजकल मैं कुछ भी दवाई नहीं खा रही हूँ, कोई भी दवाई नहीं खा रही हूँ, सिर्फ पत्थरचट का पत्ता ही खा रही हूँ। और तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया मेरा डन, और अभी जस्ट मैं बस रेडी होना है, उसके बाद चले जाऊँगी हॉस्पिटल ड्यूटी में तो कुछ शूट कर नहीं पाती क्योंकि फ़ोन हमारे अलाउ ही नहीं है। अलाउ तो है पर ऐसे वीडियो के लिए अलाउ नहीं होता है ना, फ़ोन तो अलाउ होता है, काम वगैरह फंसता है बहुत ज़्यादा। तो आजकल ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये है कि स्टडी के रिगार्डिंग है, मुझे आगे फर्दर स्टडी करनी है अपनी, कंटिन्यू रखनी है, मतलब अभी और भी बहुत कुछ करना है, मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी उस स्टडी के बारे में, मुझे बता रही हूँ स्टडी करनी है। और साथ में एक चीज़ मेरी स्टडी अलग से और यीशु की स्टडी अलग से, क्योंकि उसका ना क्या है अभी +2 से निकलने वाला, वो अभी मार्च में एग्ज़ाम होंगे। यीशु को आने कोई बोलते कि आपका छोटा ब्रदर नहीं है वो, एक्चुअली मेरी बीच वाली मासी की ना सबसे बड़ी वाली बेटी का बेटा है, जो हमारे घर में ही रहता है बचपन से ही, 5th तक वो अपने गांव में पढ़ा था, 5th के बाद वो हमारे जंजली आ गया था, वहीं पे पढ़ता है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, तो उसके घर से भी अवेलेबल है। आपको किसी को पता है, किसी को नहीं होगा पता, जिसने ब्लॉग नहीं देखे होंगे पीछे वाले, एक्चुअली मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, तो मैं तो बाहर ही रहती हूँ, घर में सिर्फ ओनली मम्मी ही रहती है, तो मम्मी के साथ वो भी रहता है, ठीक है, तो सही हो जाता मम्मी के लिए भी सारा, उसके लिए सही रहता कि इतना दूर नहीं आ जाना, इतना दूर नहीं है उसका घर, बस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर भी वो बच जाता है टाइम, ठीक है। तो बचपन में उसको हैबिट है, वो हमारे साथ रहा हुआ है, तो मैं एक्चुअली मतलब मम्मी भी सोचती कि उसके फ्यूचर के बारे में कि क्या करवाना क्या रहें, उसका भी अभी +2 हो रही है मार्च में, तो मार्च के बाद क्या करवाना उसको क्या नहीं है, बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो चलो अब ना आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। अरे दिल्ली जैसे चंडीगढ़ वगैरह में ना कपड़े सस्ते मुझे दिल्ली में ज़्यादा बहुत अच्छे मिलते हैं सोनी नगर में, और ये यहाँ पूछोगे ना कहीं और जगह तो कितने प्राइस का मतलब वो, ये मैंने 100 का लिया था, मुझे याद आ गया 100 का लिया था मैंने। और अब करती हूँ मैं मेकअप बिल्कुल सिंपल सा,
हॉस्टल के लिए इतना मेकअप तो नहीं करती मैं, ठीक है। आजकल विंटर में मेरा वही रूटीन है जो लोशन, लिपस्टिक, लिपस्टिक इंपॉर्टेंट है, बस अब मेरे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ओनली लिपस्टिक और ये थोड़ा सा आईब्रो लगाऊंगी। ये हैं पेंसिल के साथ थोड़ा थोड़ा, पहले तो कुछ नहीं दिखती थी, अब तो थोड़ा दिखती भी है क्योंकि मैंने ना प्याज का रस कोई बोतल लगाने नहीं होता, उससे कुछ मेरे आईब्रो को रोक कुछ ना है। लगा दिया अपना फेवरेट लिपस्टिक मैंने, लगा लिया काजल। सही से लगाई है, कैसे लगाई, जैसे भी लगा ठीक है, ये ज़्यादा नहीं लगाया बिल्कुल। अब बालों का करती हूँ कुछ, तो हेयर को तो मैं ना हाँ जब घर से जाती हूँ तो खुले ही रखती हूँ और हॉस्टल जाके उनको बांध लेती हूँ, बन बना लेती हूँ सिंपल सा क्रैच, ज़्यादा टाइट नहीं करती हूँ क्योंकि सर में पेन हो जाता है। और मैं होगी रेडी, अब जाती हूँ मैं हॉस्टल, नहीं तो मैं आज का जो ब्लॉग है ये बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे अपने बारे में बता रही हूँ, मेकअप शेकअप के बारे में बता रही हूँ, आप बोलो कि अब बकवास है ना, तो इसलिए अब जल्दी से फटाफट बैग उठा के फुल करके शाम को मिलती हूँ आप लोगों को। ओके नहीं आपको लुक दिखाती हूँ अपनी, ये मोटी लग रही है ना क्योंकि ये खुला खुला है, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे ऐसे, इसमें बैलेट अच्छी रहेगी। मैं तो सोच रही थी ना बैलेट लेके जाऊँगी, ये वन पीस के साथ अच्छा लगता है। चलो मैंने पहन लिया, अब नहीं करूँगी मैं चेंज इसको, चलते हैं आप। ओके गाइस, तो ड्यूटी से आ गई मैं थी और उसके बाद में 5-10 मिनट के लिए ऊपर बैठी थी धूप में, बट धूप ऐसे चली गई उतने में। तो अभी टाइम हो रहा है 5:35, तो अब करते हैं कुछ काम। काम क्या करना है, अभी तो मैंने ड्रेस ही नहीं मतलब चेंज ही नहीं किया हुआ है अपने कपड़े, तो उसके बाद सोचूं चाय लेमन टी नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ चेंज वगैरह करके, देन मिलती हूँ। उसके बाद मुझे ना बाहर से आज ग्रॉसरी का सामान लाना है, चावल ख़त्म हुए हैं और 2-3 और चीज़ें और क्या हुआ है ख़त्म, हाँ अभी से फिर ना चाय पीने की ना लत लग जाती है, मुझे नहीं पीनी, मुझे लेमन टी ऐसा करती हूँ। मेरे पास ना ग्रीन टी पड़ी हुई है, मैं कर देती हूँ गर्म पानी तो और एक कप और उसमें ग्रीन टी का वो जो पाउच है उसको डाल देती हूँ, पी लेती हूँ सही रहेगा। फिर पहले मैं चाय पीऊँगी ग्रीन टी, देन उसके बाद चेंज करती हूँ। मैंने इसको बांध के रखा हुआ था बालों को, तो पता क्या स्मूथनिंग के बाद ना ज़्यादा बांधने नहीं चाहिए, तो क्या करें हॉस्पिटल में तो ना जुल पे ऐसे ऐसे करके चली यार मिलती हूँ बाद में। ना वो रखी थी भिगोने डाले हुए, तो मैंने कहा शाम को आते इनको कुकर में चढ़ा दूँगी, आज बनेंगी ये माँ काले वाले और साथ में ये। मैंने ना रील्स बनाई है इंस्टाग्राम में, यार इंस्टाग्राम में भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया करो ना आप लोग मुझे। इंस्टाग्राम की आईडी चंद्रेश राजपूत करके है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी देती हूँ साथ में, तो प्लीज़ आके फॉलो करना लाइक करना। जैसे तो गाई थोड़ी देर ना मैं सो गई थी, फिर उठ के मैं किचन में आके दाल चढ़ा दी कुकर में और दाल चढ़ा दी थी, 3-4 स्टीम आ गई, मैंने सोची ये हो गई होगी क्योंकि सुबह रखी थी ये भिगोने के लिए डाल के, तो ये हुई नहीं, फिर दोबारा से चढ़ाना पड़ा इसको। अब इसको मैं निकाल दूँगी 3-4 स्टीम के बाद, फिर उसमें तड़का लगा के फिर जाऊँगी शॉप, और शॉप से मुझे लाना है चावल लाने हैं, 2-3 और आइटमें लानी है। पहले इसको ना मैं तड़का लगा के जाऊँगी कि आप डी मार्ट चली जाऊँ आगे जैसे, तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा आके, सिर्फ चावल ही डालूँगी फिर मैं। तो मैंने आपको बताया था ना मैंने नोज़ पिन लिया था, तो मैंने वो पहना ही नहीं आज, चलो मैं कल सुबह मॉर्निंग में पहनूंगी। तो मेरे पीछे मुझे आवाज़ दे रही थी, आधा मुझे बंद कर लो। लग रहा है राजमा को तड़का, ये रे माँ और राजमा दोनों हैं आज। ये देखो ये है देसी दाल हमारे खेत की, राजमा और जो ये ब्लैक वाली, तो तड़का मैंने लगा लिया। अब मैंने जाना है बाहर और जब तक ये कट जाती है दाल अच्छी तरह से तो सेब खा लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, सेब और अमरूद खा देती हूँ। ये बताए थे मैंने मेरी कश्मीरी फ्रेंड लेके आई है, देखो मैं रेडी हो गई अब जा रही हूँ बाहर और टाइम हो रहा है 7:30, तो जल्दी से जाऊँगी। अभी थोड़ी ठंडी है तो मैं जैकेट वाला
ऐसे करके ये लिया था मैंने क्रोल बाग में लिया था ये 100 का। अब यही वाली हाई नेक वाली स्वेटर आ दिया मैंने, इसके ना जो यहाँ रहता है वो इन कर दिया मैंने अंदर की तरफ, तो सही लग रही है। जल्दी चल जाती हूँ सामान लेके आ जाती हूँ। सही गाइस मैं आ रही हूँ वापस, सामान मैंने ले लिया जो लेना था। अब टाइम पता कि 9:18 हो गए हैं, इतने ज़्यादा लेट हो गई, खाना भी बनाने को है चावल। अभी जाके मैं घर पहुँचा, अभी तुरंत हो गए सिर से बहुत हो गए और भूख लग रही है, जल्दी से चावल डाल देती हूँ गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ और चेंज वगैरह करके अपनी फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, देन उसके बाद वो लेती हूँ डिनर। ये वाला टॉप यार हॉस्पिटल लेके गई, इसको मेरे को निकालना पड़ गया चुट करके, वो धोने को रखना पड़ेगा। फिर मैंने ये वो मैं थोड़ी हाइजीनिक टाइप की वो मुझे मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, ये टच वो टच वगैरह हॉस्पिटल में होता है ना, तो मैं हॉस्पिटल के कपड़े को रखती हूँ बाहर, स्वेटर वगैरह आजकल तो रोज डेली तो धोए जाते, एक बार पहन के फिर नेक्स्ट डे कोई और पहना, फिर थर्ड डे दोबारा से पहनती हूँ, फिर जाके वॉश करती हूँ। तो इसको ना मैं जैसे अभी उतार के बाहर रखूँगी हैंगिंग करके, ताकि इसमें कल सनलाइट आए और दोबारा से ही चमक जाए, है ना। तो जितना भी ये रहता है इन्फेक्शन तो क्या होता है बाहर, तो एप्रन भी होता है। तो चलो अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है ना, लेडी जेंट बैग। मैंने क्या कर लिया है, अब मैं उतार रही हूँ चावल। और हाँ आज मैं ना अप्रैल में मुझे पता लगा था कितने अप्रैल को, 4 अप्रैल को शायद, कि मुझे कितनी में स्टोन है। उसके बाद मैंने महा की दाल को बोलते हैं ना जो उर्द की दाल होती है, वो बिल्कुल भी उसको छुआ तक भी नहीं था, मतलब एक तो देखा देखती भी तो दूर से देखती थी, और आज मैं उसको खा ली। मैं डिनर कर लिया था और उसके बाद डिनर करने के बाद मैंने अपना ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटा दिया, और अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, रात के हो गए हैं 10:20, तो सुबह ड्यूटी भी जाना होता है। वीडियो में नए आते हो तो सब्सक्राइब किया करो, चैनल को लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आजकल तो डेली ब्लॉग डाल रहे हैं, तो ये थी हमारी आज की, ये थी हमारी, हाँ मतलब हमारी सबकी ही होती है ना दिनचर्या, तो ये मेरी दिनचर्या थी जो मैंने आपको दिखाई अपने ब्लॉग में। और टेक केयर, बाय, गुड नाइट।